हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई जो कि हम लोग के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। तो आप लोगों का ढेर सारा बधाई और धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 का, जो कि है पादप जगत, उसी को, ठीक है, पादप जगत को हम लोग देख रहे हैं। और पादप जगत में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हुए थे। अब जो है छठा नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा है कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों होता है। आपको मालूम है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में और एंजियोस्पर्म प्लांट दोनों में बीज पाया जाता है, लेकिन इसका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। इस कारण से एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड से बीज बनते हैं जो अंडाशय को भित्ति से ढके रहते हैं। देखिए, उसमें बीज तो बनता है जिम्नोस्पर्म में, लेकिन वह बीज नग्न अवस्था में रहता है। इस कारण से उसमें इसलिए वो जीवन भर कैसे रहते हैं, अनावृत, निषेचन के बाद भी। जबकि एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड जो है बीजांड से बीज बनते हैं जो कि अंडाशय को भित्ति से ढके रहते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल त्रिस्तरीय आवरण से ढका रहता है, जिसमें एक चौरा बीजांड द्वारा रहता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ओव्यूल जो है एक या दो स्तर के बने पतले आवरण द्वारा ढके रहते हैं, जिसमें एक संकीर्ण बीजांड द्वारा रहता है। उसके साथ साथ अब तीसरा अंतर देखें तो तीसरा अंतर है कि जिम्नोस्पर्म में परागकण सीधे ओव्यूल यानी बीजांड में प्रवेश कर केंद्र के निकट पहुंच जाते हैं, ये तीसरा अंतर है। और जबकि एंजियोस्पर्म में परागकण पहले वर्तिकाग्र पर और फिर वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाते हैं, और उसमें जो है सीधे ओव्यूल में पहुँच जाते हैं परागकण, ठीक है। तो ये जो है अंतर है किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में और जिम्नोस्पर्म प्लांट में, प्लांट के बीज में खास करके बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसके दो उदाहरण भी दें। तो देखिए, दो उदाहरण तो अगर बात करें तो है सिलागिनेला और साल्विनिया में दो प्रकार के बड़े एवं छोटे बीजाणु बनते हैं, ठीक है, जिन्हें विषम बीजाणु कहा जाता है। और यह जो है बड़े बीजाणु से, देखिए बड़े बीजाणु यहाँ पे होगा, बड़े बीजाणु से नर एवं छोटे बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद बन जाते हैं, और इनमें मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़े रहते हैं। और मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिसमें एक नया शैशव भ्रूण बनाता है, और यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्राकृतिक प्रकृति की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करें, कौन कौन, प्रथम तंतु, कुंधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणितक, बीजाणुपर्ण और समयुग्मक की। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, तो लिखिएगा यहाँ पे कि प्रथम तंतु क्या होता है, तो यह मौस के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है जो स्पोर से बनता है, और यह विसर्पी, शाखित तथा प्राय तंतुमयी होती है। वही बात करें दूसरा नंबर जो है वह है पुंधानी की, तो पुंधानी क्या होता है, तो नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहा जाता है यानी एंथेरेडियम, और स्त्रीधानी यानी आर्किगोनियम क्या होता है, तो मादा लैंगिक अंग को अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। उसके बाद बात करें द्विगुणितक की यानी डिप्लोनेटिक की, तो जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुविद प्रभावी प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है, और युग्मकोद्भिद एक कोशकीय अथवा कुछ कोशकीय अगुणितक होते हैं, और जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणितक कहा जाता है। बात करें पांचवा बीजाणुपर्ण की यानी स्पोरोफिल की, तो बीजाणुधानी में जिसमें पत्तीनुमा रचनाएं पाई जाती है जीवाणुपर्ण कहलाता है। और समयुग्मक की यानी आइसोगेमी क्या होता है, तो क्लेमाइडोमोनास एम स्पाइरोगैरा में कर्मशः माप में समान परंतु फ्लैजिला युक्त एवं फ्लैजिला विहीन युग्मक संलयित होकर जनन करते हैं,
तो ऐसे जनन को समयुग्मकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि बहुत बड़ा उसका आंसर हो जाएगा, तो इस कारण से उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक अगला वीडियो में इसको कर देंगे, वीडियो बनाना नहीं हो जाए इसलिए उसको छोड़े। तो क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को किस प्रकार विभेदित करेंगे। तो देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। पहले बात कर लेते हैं एक बीजपत्री की, यानी मोनोकोटिलेडोन की, यानी बीजपत्र, ऐसे बीजपत्र जिनमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है तो उसको कहेंगे क्या कि एक बीजपत्री। दूसरा आधार रखेंगे पत्ती की रचना की, तो एक बीजपत्री में पत्तियां समानांतर सिराओं यानी पैरेलल वेंटेशन वाली होती है। तीसरा बात करें जड़ प्रणाली की, तो ये इसका जड़ प्रणाली जो है रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। तने की संरचना की बात करें तो तने में संवहन ऊतक बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद बात करें पुष्पांग की, तो पुष्पांग के तीन गुणक होते हैं, तीन गुणक में होते हैं। ठीक है, और उदाहरण इसके बात करें तो गेहूँ, मक्का, प्याज, चावल आदि। अगला बात करें इसी में तो द्विबीजपत्री की, तो पहला तो रखेंगे बीजपत्र, यानी इसमें कितना बीजपत्र मिलेगा, दो बीजपत्र होते हैं। उसके बाद इसमें पत्ती की रचना की बात करें तो इसमें पत्तियां जालीदार सिराव वाली होती है। ठीक है, उसके बाद जड़ प्रणाली की बात करें तो इसमें मुख्य जड़ टैपरूट वाली होती है। और तने की संरचना की बात करें तो तने में संवहन ऊतक एक छल्ले यानी रिंग के रूप में व्यवस्थित होगा। और द्विबीजपत्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद पुष्पांग की बात करें तो पुष्पांग 4 या 5 के गुणक यानी मल्टीपल ऑफ 4 और 5 में होते हैं। और इसका उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण है मटर, गुलाब, सेब, आम, सूरजमुखी आदि। नेक्स्ट बात करें मिलान करना है तो इसका आंसर ही डायरेक्ट लिख दिए हैं आप लोगों को, जैसे इसमें बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास किस पर किससे रिलेटेड है, तो शैवाल से। साइकस किससे रिलेटेड है, तो जिम्नोस्पर्म से। सिलाजिनेला किससे रिलेटेड है, तो टेरिडोफाइट से। एस्फेग्नम किससे रिलेटेड है, तो मॉस से। तो यहाँ पे ये जो है 1 का 3 इस टाइप का जो दिया हुआ है बुक में, अलग अलग जैसे 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्लेमाइडोमोनास का शैवाल, साइकस का जिम्नोस्पर्म, सिलाजिनेला का टेरिडोफाइट, एस्फेग्नम के मॉस। ठीक है, तो हो गया आज के लिए इतना ही, और जो क्वेश्चन नंबर 9 बच गया उसको हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। बाय, टेक केयर, अच्छे से।